पीयू के साथ मम्मा पापा कहाँ जा रहे हैं? फैमिली डेट पे। हम फैमिली डेट पे जा रहे हैं? बोलो, ऐसी गलत फहमी नहीं रखते। मेरे पापा की डेट है आज। अब मेरे पापा का नाम विकी तोमर है। क्या मेरे पापा का नाम विकी तोमर? हाय गाइस, वेलकम बैक, और एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं करके आई हूँ नाइट ड्यूटी। आज मेरी नाइट ड्यूटी खत्म हो चुकी है और ऐसी हो रखी है मेरी शक्ल। टाइम अभी हुआ है दो बजने वाले हैं, तो बस अभी मैं लंच करने के लिए बैठी हूँ और ज्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं था। आज कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, आज मैं घर पे ही रहूंगी रात को। कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो अभी मैं लंच करने के लिए बैठी थी। और क्या करूंगी पूरा दिन ये आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बेसिकली जो आज का व्लॉग है वो 1:45 बजे शुरू हो रहा है। वरुष्का और मम्मी बाहर धूप में बैठे हुए हैं आराम से, और मैं अभी लंच करने के लिए बैठी हूँ। लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी बोलो आप, वो करने के लिए मैं बैठी हूँ। सुबह बस चाय पी थी, बिस्किट खा के मैं सो गई थी। विकी को उनका टिफिन विफिन बना के दिया, फिर 2 घंटे के लिए मैं सो गई थी। बस अभी थोड़ी देर पहले उठी और उठ के जो है एक ऐसे ही थोड़ी देर धूप में बैठी रही, और अब भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ पहले कि मैं क्या खा रही हूँ। तो यहाँ पे है मेरी 2 सैंडविच पीनट बटर के साथ। प्लेन जो पीनट बटर होता है ना, वो क्रंची वाला, वो पीनट बटर है। साथ में 1 कप कॉफ़ी और 1 कटोरी सब्जी। रोटी मैं यहाँ नहीं खा रही, बस इतना सा है मेरा लंच, ब्रंच आप कुछ भी बोल सकते हो उसे। तो यही मैं खाने वाली हूँ। और आज क्या क्या होने वाला है, पूरे दिन क्या मैं बनाने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें अभी आप लोग देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले करते हैं लंच और उसके बाद मैं बताती हूँ क्या होता है। बस रे मेरा बेटू, ये रहा उतड़ी। कहाँ से सीखा ये आपने? अच्छा रोना हुई हुई बच हर वक्त गुस्सा रहे, गुस्सा इतना है। चलो अब नहीं नहीं करेंगे थोड़ी देर में। गुस्सा नोजी पर रखा है, गुस्सा नोजी पर रखा है। पीऊ के क्या है नोजी आपकी? ये नोजी पर रखा है गुस्सा। इधर आओ, पांच ले इधर आओ, वापिस आओ, वापिस यहाँ पे आओ, आ जाओ, आओ। बच्चे हैं जी, बच्चे जाओ। तो यहाँ पे वरुष्का के लिए मैं बनाने जा रही हूँ घर का काजल। तो एक होता है काजल और एक सुरमा। तो सुरमा जो होता है वो होता है पाउडर फॉर्म, और एक होता है काजल। काजल होता है थिक, जो बनता है पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी का, उसे बोलते हैं काजल। तो यहाँ पे मैं काजल बना रही हूँ। अगर इसी को मैं सूखे टाइप में बनाती हूँ तो उसे बोलते हैं सुरमा। और काजल लगाने का फ़ायदा क्या होता है, शायद बहुत लोग, अगर आज के मॉडर्न साइंस में हम लोग बोलें तो बोलेंगे कि भाई बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, ये है वो है। मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, लेकिन मैं काजल को प्रेफर क्यों करती हूँ, मैं कॉस्मेटिक काजल की बात नहीं कर रही जो मार्केट में मिलता है, मैं होममेड काजल की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो उसमें केमिकल नहीं होते, और आयुर्वेदा में काजल को एक कॉस्मेटिक के तौर पे नहीं, एक मेडिसिन के तौर पे भी माना जाता था। क्यों? क्योंकि काजल लगाने से आँखें जो है, क्या बोला जाता है आयुर्वेदा में, कि वो ज़्यादा ब्लिंक करती हैं, और जब आँखें ज़्यादा ब्लिंक करती हैं तो आपकी आँखें हार्मफुल जो सन रेज होती हैं उससे बचती हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी आंखों से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेदा में काजल को बोला जाता है कि लगाना चाहिए। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, और यहाँ पे ये वाले जो स्प्रिंग अनियन है, परसों जब मैंने सब्जी बनाई थी ना तो थोड़े से बच गए थे। तो अब इनका क्या है, सब्जी खाने का दोबारा मन आपका होता नहीं। अगर 1-2 दिन पहले आपने एक सब्जी खा ली तो दोबारा आपका ना मन नहीं होता कि हम वही सेम सब्जी जो है रिपीट करें। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनको छोंकने वाली हूँ, यानी कि इनकी भुजी टाइप, अचार टाइप बनाने वाली हूँ। और उसके बाद मैं ये जो बड़े वाली मिर्च हैं, अगर टाइम बच जाता है तो ये वाली मिर्च ला रखी है, ये वाली मिर्च छोंकने वाली हूँ। तो दोनों आज छोंक के स्टोर कर दूंगी। उससे होता क्या है, कई बार ना सब्जी के साथ कुछ हल्का सा चटपटा खाने का मन करता है, तो बस वही साथ में एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वो हो जाता है अचार टाइप का। तो बस वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत और फिर रखते हैं शाम की चाय बनाने के लिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल, और उसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और उसको अच्छे से चटकने तक का वेट करेंगे। और जैसे ही वो अच्छे से चटक जाएंगे उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा लाल मिर्च डाल लेंगे थोड़ा सा, और हल्दी डालेंगे बस, और इसको कवर करके रख देंगे। और ये मैक्सिमम आपका वही जैसे सब्जी में पकने में टाइम लेता है ना, बस उसके अलावा इसको थोड़ा सा हटा के और अच्छे से भूनना पड़ता है, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। और आप इसको आराम से फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके खा सकते हो, सर्दियां हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी चलती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो जब तक हमारे प्याज वाली जो सब्जी है वो रेडी होती है, तब तक मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से ये वाली जो मिर्च है ये काट के तैयार कर लेती हूँ अब, और प्याज इनके साथ थोड़े प्याज भी काटने पड़ेंगे। तो जैसे ये वाले तैयार होंगे फटाफट से सेम कढ़ाई के अंदर मैं इनको भी छोड़ दूंगी, और दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद बनाएंगे शाम की चाय। तो यहाँ पे जब तक मेरी प्याज की सब्जी जो है वो बन रही है उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, तो फटाफट से जो हरी मिर्ची है उनको काट लेते हैं, और साथ में मैं काटने वाली हूँ 3 हरे प्याज, और उसके बाद करेंगे शाम की चाय की तैयारी। तो प्याज जो ये जो मिर्ची है ना, ये ना तीखी नहीं होती, तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो मिर्च नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको ये भी हो जाता आपने मिर्ची खा ली और तीखा भी नहीं लगता, मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खा पाती, और विक्की जो है वो मेरे बिल्कुल अपोजिट है, वो बिना मिर्च का खाना बिल्कुल नहीं खा पाते। तो यहाँ पे हम लोग जो है विक्की जो अलग से मिर्च खा लेते हैं, और मुझे ये वाली मिर्ची अच्छी लगती है इनकेस अगर मुझे कभी खाना हो तो। तो यहाँ पे मोटा मोटा मैंने मिर्च को काट लिया था, और यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो प्याज की वो पक चुकी है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे टेस्ट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, हल्का सा ट्विस्ट देने वाली हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जो पेरी पेरी मसाला आता है ना, मकेन्स के जो फ्रेंच फ्राइज़ आते हैं, या फिर आप मैकडोनल्ड्स वगैरह के भी फ्रेंच फ्राइज़ लेते हो तो उनके साथ जो पेरी पेरी मसाला आता है, तो वो पेरी पेरी मसाला मैंने यहाँ पे डाला है, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया था। तो आपके घर में भी अगर इस टाइप के कोई मसाले रखे हैं तो आप इस तरह के चीज़ों में डाल सकते हो। और ये क्या बोलेंगे मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसे हम सब्जी बोलेंगे, चटनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग बताना ज़रूर, इसको क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पर इसको सब्ज़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गैस पर बन रही है तो सब्ज़ी, और चटनी अगर होती तो वो थोड़ी बारीक टाइप होती है किसी किसी, तो इसको चटनी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्याज वाली जो सब्ज़ी है वो हो चुकी है रेडी, और यहाँ पे हरी मिर्ची वाली सब्ज़ी को भी मैंने छौंक दिया, प्याज डाल के हरी मिर्ची, इसमें नमक, राई नहीं डाली बस मैंने इसमें, और धनिया हल्दी सब कुछ डाल दिया था, लाल मिर्ची, और साथ में चढ़ा दी है शाम की चाय, बस चाय पियेंगे। और उसके बाद अभी आएंगे विकी तोमर, और उनके साथ जाएंगे हम लोग बाहर थोड़ी शॉपिंग करने। पीयू के साथ मम्मा पापा कहाँ जा रहे हैं? फैमिली डेट पे। हम फैमिली डेट पे जा रहे हैं? बोलो, ऐसी गलत फहमी नहीं रखते। मेरे पापा अब मेरे पापा का नाम विकी तोमर है। क्या मेरे पापा का नाम विकी तोमर? फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी 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 एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम लोग फैमिली डेट पे जाएंगे। मेरे पापा ने मेरी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि हम ना विंटर्स में मैं तुम्हें छिपी लेके चलूंगा, शादी के टाइम प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें स्टारबक्स लेके चलूंगा। किस दिन है तुम्हारी छुट्टी? अब रहने दो, मैं ये उलाना उतार ही देता हूँ। उलाना उलाना ही है, अब तो सारी दुनिया को बताने लग रही है, उलाना ही नहीं हो गया। रहने दो, हम कहीं नहीं जा रहे, हम जा रहे पास वाली मार्केट में, पनीर लेकर आएंगे, और ये क्या हेयर स्टाइल बनाया बेटू आपने, और फिर वापस आ जाएंगे। एंड दैट्स आवर डेट, दैट्स आवर डेट। क्या बेटू फिर वो डेट? डेट है एमी बेटी की डेट। खाई खाई ना कर लूं आपकी, आपकी खाई खाई कर लूं थोड़ी सी। वरुष्का के पापा जी कहाँ हैं? पापा जी नहीं, पापा जी नहीं, पापा पापा पापा। अच्छा ये बता दो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये राइट है, लेफ्ट कौन सा है? ये वाला। हाँ ये लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड कौन सा है? ये पापा का लेफ्ट हैंड कौन सा है? राइट हैंड। वाओ थैंक यू। आपको कौन सा लेना है बेटू? कौन सा लेना है बताओ, कौन सा लें आपके लिए?
अच्छा इसमें करोगे, ये ले लें। क्या बनाओगे आप इसमें, क्या बनाओगे? आटा बनाओगे इसमें? आटा वापिस वापिस वापिस। तो एक्चुअली घर पे ना कंसीलिंग पाइप है जो एसी की पाइप लगती है। पापा भी आ रहे हैं तो चलो कैमरे में देख के एक बार बाय बोल दो। से बाय बाय बंदर छे बाय बाय। पापा कहीं घूम नहीं हुए, पापा आ चुके हैं, बस आ गए। पापा 2 सेकंड में आ गए पापा। पापा पापा पेमेंट करके आ रहे हैं। पापा पापा पेमेंट करके आ रहे हैं। पापा गाइस अब करते हैं व्लॉग का एंड। और विकी गए हुए हैं अभी थोड़ी सी पेमेंट करने, तो जैसे वो वापस आएंगे हम जाने वाले हैं घर। घर जाके करेंगे डिनर। और बस आज इतना सा ही था पूरे दिन का व्लॉग। और आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी सिर्फ एक ही आवाज। क्या? पापा 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 मैं बेटा। हाँ अभी इसके पापा गए हुए हैं तो इसको ये रखा, इसके पापा कहाँ चले गए। तो बस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है। और ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।